अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लास्ट दिन है दुबई में और हमने नाश्ता कर लिया हुआ है। अब हम पैकिंग करेंगे। पैकिंग करके हम जाएंगे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पे एहराम बांध के हमारी फ़्लाइट है जद्दा की तरफ। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर जद्दा में जाके वहाँ से टैक्सी आके हमने मक्का जाना है। फिर इंशाल्लाह जो उमरा है हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि ये सफ़र हमारा हर हेरी से गुजरे और जिस नेक मकसद के लिए हम निकले हैं वो अल्लाह हमारा मकसद को पूरा करे। ले फिर चलते हैं। होटल से हमने चेकआउट कर लिया, टैक्सी का वेट कर रहे हैं। इतने में टैक्सी आती है, वो रूम चेक कर रहे हैं। जैसे ही वो ओके करते हैं हम बाहर निकलते हैं, टैक्सी में बैठते हैं और सीधे फिर एयरपोर्ट पे। वज़ू करके हमने एहराम बांध लिए थे और फिर दो नफिल अदा किए। उसके बाद हमने फिर तीन दफ़ा तकबीर पढ़ी और ये इतनी ऊँची आवाज़ में पढ़ते हैं कि आपको खुद सुनाई दे रही हो। हम अपनी लॉबी में आके बैठ चुके हैं A1 में और जैसे ही प्लेन आता है, बे पे चढ़ता है, तो हम फिर उसमें टेक ऑफ करेंगे। और जो नेक्स्ट अब है वो मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगा, अब छोटे क्लिप बनाऊँगा और बाद में जाकर इनको एडिट करूँगा। अब नेक्स्ट जो हैं व्लॉग्स वो बाद में घर जाके आएंगे। बेसिकली मिकात जो है उससे पहले पहले आपने एहराम बांधना होता है और नीयत करनी होती है। तो अब हम मिकात में एंटर हो गए, अब हमारी नीयत भी और एहराम बिल्कुल रेडी होना चाहिए अगर हमने उमरा करना है। अगर आप सऊदी आ रहे हैं तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपको मिकात से पहले पहले ये सारी अपनी चीज़ें मुकम्मल कर देनी चाहिए अगर आप उमरा करने जा रहे हैं तो। ये है जनाब जद्दा एयरपोर्ट और यहाँ पे भी एक्वेरियम है। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, मतलब एक बड़ा बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का एयरपोर्ट है। अलबेक वगैरह हर चीज़ है, खाने पीने का भी सामान है, फिर टैक्सी वाले भी, फिर बस यहाँ से फ्री है। अगर आपके पास वीज़ा है ना उमड़े का तो आपकी जो बस है वो टोटली फ्री है। मक्का में अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं। अब होटल में जाकर सामान वगैरह रख कर तो हम इंशाल्लाह उमरा करने निकल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं जो उमरा अभी कर रहा हूँ वो नहीं दिखाऊंगा। मैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट उमरा करूँगा उसकी तफसीलन उसमें अरकान भी बताए जाएंगे उमरे के और बाकी जगह भी, सारा खाना काबा और सारे मकाम जो हैं वो दिखाए जाएँगे। अपना दूसरा उमरा अदा करने के लिए सबसे पहले हम गए आयशा मस्जिद, जहाँ पर हमने एहराम बांधा और एहराम बांधने के बाद दो नफिल अदा किए और उमरे की नियत की। एहराम बांधने के लिए आयशा मस्जिद इसलिए जाना होता है क्योंकि हमें हदूद हरम से बाहर निकल कर एहराम बांधना होता है और यह खाना काबा के एहतराम के लिए किया जाता है। और एहराम बांध कर हम हरम की तरफ निकल पड़े। मताफ में आपको एक ग्रीन लाइट नज़र आएगी ख़ास मुकाम पर और उसके बिल्कुल सामने हिजरे अस्वद है और हिजरे अस्वद का बोसा लेकर आप अपना तवाफ जो है वो स्टार्ट करें। तवाफ के दौरान कोशिश करें कि आपसे किसी को कोई तकलीफ ना हो। और तवाफ के दौरान तीसरा कलमा पढ़ा जाता है। अपने साथ चक्कर मुकम्मल करने के बाद आप दो नफिल अदा करेंगे और दो नफिल अदा करके आप सही के लिए निकल पड़ेंगे। सफ़ा मरवा के चक्कर लगाने से पहले आप सही से आब जमज़म पिएं। सफ़ा के मुकाम पर पहुँच कर दुआ करें और अपना चक्कर जो है, पहला चक्कर जो है वो शुरू करें। सफ़ा से मरवा तक जब पहुँचेंगे आप तो ये आपका एक चक्कर गिना जाएगा और जब मरवा से आप सफ़ा तक आएंगे तो ये दूसरा चक्कर गिना जाएगा। इस तरह आपने अपने 7 चक्कर जो हैं पूरे करने हैं। और जब ये आपको ग्रीन लाइट्स नज़र आएंगी तो ये जहाँ से शुरू होती हैं ग्रीन लाइट्स और जहाँ पे इनका ख़त्म होता है उधर आपने अपनी रफ्तार जो है तेज़ कर लेनी है। ये है मरवा का मुकाम।
सफ़ा और मरवा के साथ चक्कर मुकम्मल करने के बाद आपने नफिल अदा करने इधर, और इसके बाद आपने अपना सर मुंडवा लेना। इस तरह आपका एक उमरा मुकम्मल हो जाएगा। और अगर आपने दोबारा उमरा करना है तो आप दोबारा से हदूद हरम से बाहर जाकर यानी आयशा मस्जिद या ज़्यादातर मदीना मुनव्वरा जाकर भी अहराम बांधते हैं। और जब आप मदीना मुनव्वरा से अहराम बांधकर मक्का की तरफ आते हैं उमरा करने, तो ये आपका एक बड़ा उमरा गिना जाता है। आज की वीडियो से इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।